सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बुधनी में बड़ी घोषणा की है। जो स्कूल में जो खाना बनाने वाली रसोइयां हैं दोस्तों, उनका मानदेय 2000 से बढ़ाकर 4000 रुपये करने की बात कही है। अतिथि शिक्षकों के लिए महापंचायत, लेकिन मध्य प्रदेश के वो अतिथि शिक्षक जो अभी नवनियुक्त शिक्षक आए हैं, प्राथमिक शिक्षक दोस्तों, उससे हजारों अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं। वो बहुत चिंतित हैं कि सर हमारा क्या होगा, क्या अगर कोई लाभ मिलता है तो हमें लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के वो समस्त अतिथि शिक्षक जो 5 और 10 वर्ष काम करने के बाद अब वो बाहर हो गए हैं दोस्तों, उनका क्या होगा। सरकार, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। दो बड़े बड़े अपडेट मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप एक वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम ने क्या कहा है दोस्तों। आपको मैं स्क्रीन पर प्ले करके वीडियो बताऊंगा दोस्तों। और हालांकि जनसंपर्क विभाग पर भी अपडेट आ चुका है कि जो मध्य प्रदेश की जो रसोइयां हैं अब उनका मानदेय जल्द ही बढ़ जाएगा। और लगातार वो भी परेशान थी, आंदोलन कर रही थी। मध्य प्रदेश में बहुत से जो भी आंदोलन हुए हैं दोस्तों, चाहे वो अतिथि शिक्षक के हों, और यहाँ पर इस वीडियो को देखिएगा आप। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि जो रसोइयां बहनें हैं वो भी यहां पर आई हैं, तो उनका मानदेय भी 2000 से बढ़ाकर 4000 रुपये 15 अगस्त से पहले मैं करना चाहता हूं। और अतिथि शिक्षकों की भी महापंचायत बुलाने वाला हूं। लेकिन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 1 महीने से लगातार यही बोल रहे हैं कि हमारी महापंचायत कब होगी। और अब ये निर्णायक हो जाता है कि जो अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं उनका क्या होगा। दोस्तों बहुत परेशान है, लगातार मेरे पास टेलीग्राम पर भी मैसेज आ रहे हैं, सर मैं बेरोजगार हो गया हूँ। अगर सरकार अतिथि शिक्षकों का हित करना चाहती है तो दोस्तों इन अतिथि शिक्षकों का क्या होगा, इनके लिए क्या पॉलिसी होगी, क्या वर्तमान में अगर कार्यरत अतिथि शिक्षकों का ही कुछ होगा तो ये अतिथि शिक्षकों का जीवन भर निराश रहेंगे। और इनका कहना है कि सरकार हमारे बारे में भी सोचे। और अभी भी अगर प्रमोशन को लेकर दोस्तों, अगर प्रमोशन होते हैं तो वर्ग 2 और वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक फिर बेरोजगार होंगे। तो लगातार अगर अतिथि शिक्षक ऐसे ही बाहर होते रहेंगे तो नाम मात्र के अतिथि शिक्षक बचेंगे। तो सरकार उनका अगर नियमितीकरण भी कर देती है या उनके लिए कोई पॉलिसी बनाती है तो इन अतिथि शिक्षकों के लिए काफ़ी दुख होगा। इनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द महापंचायत करे, और अगर महापंचायत में अतिथि शिक्षकों का मानदेय ही बढ़ाया जाता है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पद को लेकर सबसे बड़ी विडंबना है। और अगर पद ही नहीं रहेगा तो फिर मानदेय का क्या होगा। भाइयों, मैं लगातार 2 साल से अतिथि शिक्षकों की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और पहले जो अतिथि शिक्षकों का मानदेय मिलता था बहुत कम मिलता था, इसके बाद में फिर डबल हुआ और अब डबल के चांस बन रहे हैं। जैसे कि रसोइयों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है, और वो अतिथि शिक्षकों के लिए भी ऐलान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐलान क्यों नहीं किया। आखिरकार इतनी देर क्यों हो रही है अतिथि शिक्षक के काम में दोस्तों। और जनसंपर्क विभाग से भी यहाँ पर मैसेज आ चुके हैं कि रसोइयों का मानदेय अब डबल हो चुका है। जो खाना बनाने वाली रसोइयाँ हैं जो 2000 रुपये जिनको मिलता था, अब 4000 रुपये मिलेगा, जो कि उचित मानदेय होगा रसोइयों के लिए। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है। लेकिन जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों का निराकरण, और अगर अतिथि शिक्षकों का कुछ होता है तो 30 अप्रैल 2023 का आकलन लिया जाए, जिससे कि समस्त वो अतिथि शिक्षक जो पहले काम कर रहे थे वो सभी
नियमितीकरण के दायरे में या मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी की जो पॉलिसी है महापंचायत में क्या लाभ उनको मिलने वाला है उसमें सभी भाग ले सकें। बाकी भाइयों आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी भाई अगर अतिथि शिक्षक के पद से बाहर हो गया है तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अतिथि शिक्षक की जो वैकेंसी है वो टेंटी वैकेंसी है, परिवर्तनशील है दोस्तों, खाली होती रहती है। जब तक इसकी कोई सही पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक हर अतिथि शिक्षक को यही डर बना रहेगा कि आज ये बेरोजगार हुआ है कल मैं भी बेरोजगार हो सकता हूँ। भाइयों नए नए अपडेट आप लोगों को लाता हूँ, फिर मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।